Hey guys, assalamu alaikum, namaste. Another video, another topic, another review. फटाफट आ जाइए और मेरे वीडियो को देख लीजिए. जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का जो हमारा वीडियो है वो मॉइस्चराइजर से रिलेटेड है. तो लोगों का मिथ है, जिनका ऑयली फेस होता है उनको लगता है कि हमें समर में मॉइस्चराइजर की जरूरत है, कि ऑलरेडी हमारे फेस पे इतना ऑयल है तो मॉइस्चराइजर लगा के और चिपचिपा ऑयल जैसा हो जाएगा. बट नहीं गाइज, अगर आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करते हैं तो फेस को हमारे हाइड्रेट करता है. सही टाइम से अगर आप मॉइस्चराइजर करते हैं, अपना यूज करते हैं डेली रूटीन में, तो आपका क्या होगा, आपका फेस बहुत ज्यादा हाइड्रेट रहेगा और जो एंटी एजिंग के साइन होते हैं वो मतलब कम कर देता है. बट इसके लिए गाइज, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा के अपने फेस पे लगा लोगे एज अ मॉइस्चराइजर. अगर मैंने बहुत लोगों को देखा है बॉडी लोशन जो बॉडी बॉडी में यूज करते हैं उसको भी उठा के अपने फेस पे लगाने लग जाते हैं. नहीं गाइज, फर्स्टली आपको पहले पता करना पड़ेगा कि आपका जो स्किन है वो किस टाइप का है. ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है. आपका फेस है ऑयली और आप मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं ड्राई स्किन वालों का, फिर हार्म ही होता होगा. आपके स्किन पे पिंपल्स आ जाते हैं, ड्राई हो जाता है. तो फर्स्टली जो आपको करना है, आपको अपना स्किन टाइप पता होना चाहिए कि मेरा भी जो फेस है वो ऑयली है. तो कुछ टाइम पहले तक मुझे भी लगता था कि यार मॉइस्चराइजर की मुझे क्या जरूरत है, कि मेरा तो फेस ऑलरेडी इतना ज्यादा चिपचिपा रहता है, इतना फेस में ऑयल आता है, तो मैं मॉइस्चराइजर क्यों यूज करूंगी. भी है फेस पे जो निशान वगैरह, उन पहला जो मॉइस्चराइजर है ये है एलोवेरा, गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल. हाँ जी गाइज, आप एलोवेरा जेल को एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं. टेक्स्चर है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत ज्यादा जेल बेस है. तो और इसकी स्मेल, मतलब जब आप लगा लोगे ना आपको वैसे ही बड़ा फ्रेश फ्रेश सा फील होगा. आपने इसको देख ही लिया होगा, ऑलमोस्ट इसको मैंने पूरा खत्म कर लिया है, क्योंकि ये मतलब मेरे स्किन को बहुत अच्छे से ऑब्जॉर्व हो जाता है जब मैं लगाती हूँ. तो बड़ा फील, मेरा जो स्किन है बड़ा फ्रेश और हाइड्रेट फील करता है और लगता ही नहीं कि जैसे मैंने कुछ लगाया है. एंड यस, अगर आप मेकअप वगैरह यूज करते हैं तो एज अ प्राइमर भी इसको आप, मतलब प्राइमर की जगह भी आप इसको यूज. सेकेंड मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली स्किन ये है एम कैफेन का नेक्ड एंड रो कॉफी मॉइस्चराइजर. ये कंपनी क्लेम करती है कि 48 आवर्स का मॉइस्चराइजेशन आपको देगा. एंड सीरियसली गाइज, ये काफी ज्यादा अच्छा है फॉर ऑयली स्किन. नॉर्मल स्किन वाले भी लगा सकते हैं, बट ऑयली स्किन, क्योंकि जो इसका जो टेक्सचर है आपको दिख रहा होगा, जो टेक्सचर है एकदम जेल बेस्ड. इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो गाइज काफी ज्यादा छोटा लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट्स में पढ़ नहीं सकती, बट जो भी इंग्रेडिएंट्स है मैं इसके साइड में आपको लगा दूंगी, आप आराम से इंग्रेडिएंट पढ़ लेना. इट्स अ पोन्स सुपर लाइट जेल, मतलब ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये वरदान है गाइज, वरदान. फेस पे लगाया और एकदम ऑब्जर्व हो गया, उसके बाद लगता ही नहीं कि हमने कुछ लगाया है, बट फिर भी हल्का हल्का सा ग्लो देता है. मतलब इसको लगा के तो मजा ही आ जाता है. इसको भी मैंने बहुत सारा यूज कर लिया है, वो दिख रहा होगा. तो गाइज, ऐसा कुछ मैं आपको कुछ भी रिकमेंड नहीं करूंगी जो मैं यूज नहीं कर रही है. इसके भी इंग्रीडियंट्स मैं आपको साइड में दिखा दूंगी. लास्ट वन एंड माई फेवरेट, ये भी पोन्स का ही है और ये है पोन्स लाइट मॉइस्चराइजर. वो जेल मॉइस्चराइजर था, ये जो था पोन्स का ये था सुपर लाइट जेल और ये है पोन्स लाइट मॉइस्चराइजर. ये गाइज जेल बेस नहीं है, ये क्रीम बेस है. ठीक है, इसको मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ. ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, क्योंकि जब से मैंने इसको यूज करा है मेरे जो फेस पे ग्लो आया है और मेरा जो स्किन काफी ज्यादा, मेरे पहले स्किन में बहुत दाने होते थे, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा फर्क है. इन सब की में से अगर मैं बेस्ट की बात करूं अपने फेस के लिए तो मेरा ये वाला था पोन्स का, क्योंकि मैंने ये विंटर में स्टार्ट किया था. पोन्स का जो लाइट जेल वाला था वो भी मैं यूज कर रही थी, बट ना उससे क्या होता था विंटर में, क्योंकि विंटर में हमें थोड़ा सा हाइड्रेशन चाहिए होता है ना, तो बट वो पूरा एकदम सोख लेता था, फेस ना काफी ड्राई ड्राई सा लगता. लेकिन बट ये इसको आप विंटर में और समर में दोनों में ही यूज. गाइज फॉर टुडे, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी. आपको जो मैंने जो भी आपको प्रोडक्ट दिखाए हैं ऑयली स्किन वालों के लिए, जो भी मॉइस्चराइजर दिखाए आपको पसंद आया होगा, लिंक आपको इन सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. इसके अलावा मैं कौन से मॉइस्चराइजर और यूज कर सकती हूँ अगर आप मुझे सजेशन देंगे तो मेरे लिए वो भी बहुत अच्छा होगा. एंड यस गाइज, जाते हुए एक लाइक का बटन दबा देना, शेयर कर देना इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई होगी अपने फैमिली और फ्रेंड्स में. एंड यस, सब्सक्राइब का बटन दबा देना, साथ में जो ये घंटी का बटन है उसको भी प्रेस कर देना.